हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाला नाश्ता बनाएंगे, तो चलिए बना लेते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, आधी कटोरी सूजी, आधा कटोरी दही, बारीक कटी हुई आधी शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ 1 टमाटर, बारीक कटा हुआ 1 प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले हम सूजी का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए हमने आधी कटोरी सूजी ली है और आधी ही कटोरी हमने लिया है दही। इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा पानी। अच्छे से फेंटते हुए मिलाएंगे, तो पानी इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। अच्छे से फेंटते हुए आप इसका बैटर बना लें, बिल्कुल इस तरह से। बैटर हमें उस तरह बनाना है जिस तरह हम चीले बनाने के लिए बैटर बनाते हैं। तो सूजी और दही को अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सारी चीज़ों को बैटर में अच्छे से मिला देंगे। और इस बैटर को हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि सूजी अच्छे से फूलकर सेट हो जाएगी। उतनी देर में हम आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, कुटी हुई काली मिर्च, बारीक कटा हुआ 1 टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें हाथों से अच्छे से आलू को मैश करना है और सारे मसाले आलू में हम अच्छे से मिला देंगे और इस तरह से आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देंगे और जो हमने सूजी का बैटर बनाया था उसे खोलकर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं सूजी जो है पहले से फूलकर थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। फिर से एक बार अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह का हमें बैटर रखना है। अब जो हमने ये आलू का मसाला बनाकर तैयार किया है, इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। 1 चम्मच के करीब हम आलू का मसाला लेंगे, इस तरह रोल करेंगे। और दबाकर इन्हें हम टिक्की की शेप देंगे। तो सारी टिक्की हम इसी तरह बना लेंगे। तो उतने आलू के मसाले में 8 टिक्की बनकर तैयार हुई हैं। बैटर भी तैयार है, फटाफट से अब हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने गैस पर तवा को गर्म होने रख दिया था। तवा अच्छे से गर्म है, तवे पर हम डालेंगे थोड़ा सा घी। और जो हमने सूजी का बैटर बनाया है, 2 छोटे चम्मच के करीब हम बैटर लेंगे, तवे पर डालेंगे और इस तरह से हम इसे फैला लेंगे। तो छोटा सा पैनकेक हमें बनाना है सूजी का। फिर इस पर हम आलू की टिक्की रखेंगे और आलू की टिक्की के ऊपर 1 चम्मच हम सूजी का बैटर डालेंगे। थोड़ा सा आलू की टिक्की को दबाएंगे और सूजी के बैटर को अच्छे से टिक्की के ऊपर फैला देंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। थोड़ा सा किनारे पर आप इसके घी और डाल दें ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए, और जब ये नीचे से सिक जाए तभी हमें इसे पलटना है। तो बस हमें इसे अलटते पलटते रहना है। और इस तरह से हम सूजी और आलू का क्रिस्पी सा पैनकेक बना लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो बस आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।